अरे रोटी बनाओ ने खा गया। देखो अब चांस तो कम है, माने मेरे को नहीं रास्ता ने 25 लाख पहले से कर रखे तो 100% श्योर हुआ। सो गेलो जी 80 टैक्स भरसा, लेकिन एक बार सुजानगढ़ जिलो बना दियो। कौन संभाला कोई, कौन संभाला ये क्या भरियो है? कहां करा जगह ही ले गयो सरपंच उठान कौन तो की कौन मिलो रुपये और हां हां गंदो तला ए के कर काम आ गई कमी गंदो फिर वो ट्रक पलटियो बेरो एक चीज को पलटियो थे यार देश की नीम हो की तो सोचो जल्दी कपड़ा मारा गए। ओ गांव तो बीजेपी को है भाई, राजस्थान में बालोगान कोई मतलब है। राम राम साहब, मैं हूँ थर देशी पत्रकार मनोज, थे देख रहे हो दिल को चूरू चैनल पर। नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट देश को आपने की चुनावी यात्रा है बस शुरू कर दिया। आना दे हम पूरा पूरा थाने जिले को रुझान बताने को और जगह बुढ़िया है बांगा टोटका सुनाने भी मिलेगा। फिलहाल रतनगढ़ सुजानगढ़ हाईवे है, बेंगो गाँव है भोजासर बटापा खड़िया और अठे जानने को प्रयास करांगे। 18 लोग के सोच रहे हैं, 18 बुढ़िया के सोच रहे हैं, 18 जवान के सोच रहे हैं। तो आज की कवरेज है जी की शुरू कराऊ जानने को प्रयास है जी को गाँव में करा कि लोग किन्ने जानने को प्रयास करेगा अगले चुनाव में। तो जी थे कह रहे हो बीजेपी का तुम्हें वोटर ना क्या किया काम करियो कांग्रेस सरकार अरे कांग्रेस ने बीजेपी से सोखी है एक बराबर बिजली देखो बात तो बाबा ठीक पड़गी। अरे रोटी बनाओ ने खा गए रोटी तो लाइट उठ जा कह दे क्या रोटी तो फरी है रात ना टावरा गोदी में ले ले बारे ले आवा मां ले जावा बिल बरता देना ठरको लगाता ठरको क्या लगा सुनाई कौन करे कोई ठरको रहे को नहीं थारो फरी है पहले तो कहता बिल कोनी बनाओ क्यों ले सो अब कितनी घंटा कटौती कटौती है जे बता रहे बड़ा की कोनी दिन का जाए आठ नहीं कोनी और आठ उड़ जाए दिन का कोनी आवे तो वोटाई के सोचियो काले ये सरकार ने रिपीट कर दियो कौन करो बड़ा वोट दे मैं देवा बीजेपी देसी दी बात तो थे तो दे दे पिछली बार जिता भी दियो कल चेंज चेंज कर देगा चेंज हो जा तो जा रह जा गेलो तिरे जाओ के बेजा गेलो जी थारो कोई खास बेर लागियो वन मन बेर क्या को है बूढ़ो आदमी है ठीक है। अच्छा भाई साहब युवा के कुछ सोच के वोट वाट करेगो? देखो मैं तो हमेशा कांग्रेस ने दूं कांग्रेस ने दूंगा तो जी कह रहे मैं बीजेपी ने दूं बीजेपी गरीबा के लिए कोई फायदा को नहीं कर रही कांग्रेस ने जितनी भी योजना करी गरीबा के लिए कांग्रेस ही करी है। की कुछ सोच के भाई जी वोट वाट करो काम प्रभावित हो के क्या सरकार क्या काम करी है? नहीं अशोक गहलोत जी की सरकार तो बढ़िया काम करी है आपकी तरफ से और जहाँ युवा के लिए नौकरी का अवसर भी निकला लग रहा है नया नया। एक चीज और ही अब कल है जी यहाँ अशोक जी लोग प्रभावित है लेकिन स्थानीय जी का उम्मीदवार है स्थानीय विधायक है बहुत थोड़ा सा यहाँ नाराज सा दिखे लोग। देखो पार्टी के मायने एक आदमी अगर मेन मुख्य सही है ना तो नीचे का आदमी जरूरी को नहीं हो सभी सही हो और सही गलत हो भाई आप आपकी सोच हो कोई के सोच कर क्या करे कोई क्या करे लेकिन सोच आप आपके ऊपर जगह बैठे हो ना वो सही हो ना तो नीचे का काम सही हो जी। रिपीट हो सके सरकार? रिपीट देखो अब चांस तो कम है और हमारी इच्छा तो ये गरीब आदमी के लिए कांग्रेस सही है अशोक जी सही काम कर लग रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी आया 5 लाख बीमा का करके गया माने मेरे को नहीं रास्ता ने 25 लाख पहले से कर रखे अभी से ज्यादा क्या कर सीवा आप लोग वो भी देखिए वोट वाट करोगा सोचिए को नहीं बिताई। फिलहाल तो भाई हाँ तो बीजेपी का लेकिन अब आर देख कर लाग रहे है कि कांग्रेस ने देना के विचार है खटा वो थे मैं प्रॉपर सुजानगढ़ का सुजानगढ़ का सुजानगढ़ ने जिलो बनाने की बात चली बनाई बात कौन पे थे प्रभावित को नहीं था थे अभी तक हाल तक हम ई बात से कुछ को नहीं क्योंकि जता भी जोर लगे हो ना हाल तक सुजानगढ़ जिलो कौन बने दिक्कत यह आ रही है प्लस कमाए ने बहुत कोशिश करी लेकिन अभी तक कौन मन रहे लगभग अगर जिलो नया मनसी तो पछ तो ठंडा है कोई फायदा भी कोई नहीं कोई ना बच वोट दो चाहे मत दो एक ही बात है जो अगर सुजानगढ़ ने जिलो बना दी अशोक गहलोत तो 100% श्योर हुआ अशोक गहलोत जी 80 नहीं बनासी तो 80 मुश्किल को नहीं। अच्छा 20-20 जिला दे दिया था क्यों क्यों टाल दिया था रोज कौन की जी कई कई हो एक हाथ की तो आंगले शेम कौन बात भाई है बस बे बनाना कौन चाह रहा वो बन रहे को नहीं अगर वे चावन है तो हर चीज मुमकिन है वे 20 जद बनाया तो वो सुजानगढ़ के 55 के 12 काट दो यार वो ही बन सको ना बना देना चाहिए 33 हाँ 20 और बन गया एक और सही अपीड़ा तो जिया सुजानगढ़ वासियां रहेगी रे रही है हाँ सुजानगढ़ को विकास शानदार हुआ एक ही नंबर पर विकास रिस्क करके नाको प्या दिवाए थे के लग दिया था जी रिस्क करके नाको तो कौन प्या ताकि कोशिश आए राक्षा क्या अगर सुजानगढ़ जिलो बन गयो तो सो गए लोग जरूर एक बार ले रहा है 100% ये काम करे करो थे लेकिन एक बार सुजानगढ़ जिलो बना दो हर चीज बनने तैयार है बस एक बार सुजानगढ़ जिलो बन गया।
थारी मुख्य मांग है की जिलो बना दियो टैक्स टैक्स के ले लियो मार कुछ भी ले लियो भलाई बहुत लगातार बातचीत वो सिलसिला जारी है तो जी बड़ो बाजी है मैं पेंडो कोन छटा रहा हूं किन गुड़ा दियो किन रख दोगा बहुत टाइम पर टाइम बता एक तो बिजली की समस्या बहुत तकड़ी बता रहे थे तो इन्वर्टर लगाए पेंडो छुटा लियो तो के हो छुटाया तो नहीं हो जड़ा 6 घंटा पकाई हुए बच्चे बिजली पानी की समस्या भाई जी जोर की पानी की समस्या बिजली बराबर ही है पानी तो कोनिया के मोटर खराब हो रही है अब दूसरा आना उना शुरू हो गया दूसरी बात की कहीं कुछ कहा अब देवता कर जाएंगे अब कल विकास की गंगा बोनी सब इस टाइम शुरू करने कोई नहीं लियो ऐसा यही कितना जाए आपका कि करने कारण की कोनी हुआ अच्छा पीछे 4.5 साल थान को संभाले है कोनी कौन संभाला कोई कौन संभाला बेबोटा टाइम से फिरे पच कोई को दिया है काम कुम की तो के है तो आया काम तो वही है करावे वो तो आपका नोजी हो के करावे खुद ही कोनी लारे रही हो की करी होगी देखे ना की ठीक करी है कब गई होने करा पहले जाने ना तो की ठीक करे की करे ठीक ओ पेस्टा करी हो नालो नाग दियो की पेस्टा करी है को तो करी होगी बोनलाल को ना खेड़ो शुरू को पास भी को ग्राइड हो आप आता है का वही करे ओके ये होगी जानो नहीं था कौन कहोगे थे ये करे जगह ये करे ना उनके रिलेटिंग का पहले कराया अब कह देना क्या पास हो गया था गति से खज गया ले गया अब बढ़िया कोई नहीं बुड्ढा ने पेंसिल आने लगी तो जी हां पेंसिल दावे रिपेटर बट गया है कि हां ए बांदा दी जिन पूछो आया के ताजी बट गए कौन नहीं बढ़िया मांका तो मांका आया बड़ो थाला बट गया आंगे सिली सीधे थाने के मिल दी है मारा तो बट गया अपन के टावर को मैं तो मारी को ताजी थारो राज है जदी सीधे मिल दी है थाने सिली मारा तो बट रहा है अभी अब आज आ गया अब ताजी पानी पुनी ईर बिजली क्या समस्या समस्या क्या है या तो बस सदा ही जाए बिजली तो जाइए तो थे तो अब घणी उम्र ले ली सदा जानती थोड़ी रहेगी अब जान लगी बुढ़ा हो गया थे फिर जाती रही सुख सी देखत मिलेगी तो अब तो जाए जहाँ आवे को नहीं घंटा ही को नहीं आवा दो घंटा ही को नहीं आवा कड़ाई कड़ाई 4 घंटा ही को नहीं आवा वोट बाट के देगा आप कल के सोच रखे हो वोटाऊ काम कुम करायो एक लेली सरकार बताओ इंदारली सरकार को तो वोट ले दुकान नहीं देजा सिर में छड़े नहीं उन्न जाए उन्न जाए इसी सड़क के बाहर खटे को नहीं मिले खटे ही फिरी हो चोरू जिले में फिरी हो इसी सड़क को नहीं जाते इतनी टोप गया इतनी टोपी के कहाँ करा जगह ही ले गयो सरपंच उठा सोच रखे है बोटा बाटा देखे आगे के काम कुम कराए कौन ले के रखे है काम तो कराए है वोटा बारे में बार के बता सका माहौल बनो को नहीं अभी पूरा अभी कोई माहौल बनो को नहीं कई स्कीम आई है जहाँ बिजली आ रही आई है कोई पेंसिल पेंसिल बढ़ाई है वो फायदो मिलने लगे होगे वो मान तो की कौन मिले और रिपी हो रहा हूँ आंटी जी आप बताओ बिजली भी को नहीं भाया और पेंसिल भी को नहीं मांगे की कौन मिल रहा बीजेपी में सर बीजेपी को शासन है तो बीजेपी में यहाँ पे वोट तो बीजेपी ने पहले दी और सरपंच वो है मांगा हूँ कोई क्या है काम बूम करावे बढ़िया करा रही होता है यार अपन रोज से और अब मैं तो ड्रेड आई कौन तो मान के ठा पड़े अब आगे वोट के चीज का होगा सरपंच का थोड़ी होगा अब कृषि तो मान के बेरो गाँव के वातावरण को तो जो वोट किसा होगा बेरो है थाने अब थोड़े दिन बाद में प्रधानमंत्री होगा जरूर पहली राज्य सरकार का भी तो होगा राज्य सरकार को अच्छा हाँ हाँ गलो एक ओ जना ही गलो जोर दे रहे थी क्यों ये सारे हो कल के लग रहे थाने सारे तो अनाउंस करते करते बुढ़ो गयो भाई दुखी के रिपियो करियो को नहीं अच्छा गलो तो के टक्कर में कौन किया तो लगा होगा वसुंधरा होगी को और कहीं लिया होगा बीजेपी आराम अब अब तो देखो मैं कौन जाऊँ वहाँ एक आरएलपी पार्टी आई पिछली बार ये था सुजानगढ़ में करने चीज चुनाव हो लगेगी बाबी कोई करेगी कल तीसरी पार्टी आगे अब कर सके देखो अब कोई की कर सका को नहीं हो रहा घर कहीं वोट बढ़ियों का नहीं था रहा आजकल एक मैसेज आई करेगा जी कहीं 18 साल होने लगी या जी कहीं होना रही अब जाके 16 साल 2 साल कम रह गया अगले चुनाव में तो घर का गुरु जिक्र कौन करो एक आ सरकार काम कराए या कौन कराए घर का मांग तुम ही गंदो तो वोट तो देगा मेरी वोट तो देवे लगे अगले जाने तो घर का जिक्र कौन करोगे थे कौन सी पार्टी बड़ी है मानने
तो करना मैं स्कूल जाऊँ बस। स्कूल तो आगे जी की बढ़िया पार्टियाँ होगी या जो आज की विकास करना है विभाग ये करेगी कि आगे भर्तियाँ भुर्तियाँ निकालेगी तो थे अभी विचार नहीं करो फिर भर्तियाँ डीक बोक रही हो फिर वो ट्रक पलटियो बेरो एक चीज़ को पलटियो ना बहुत आपने भी कोई विचार करो नहीं है आपने कोई विचार करने की बात घर का देसी जगह देसी थारो कोई विचार थे यार देसी नीम होगी तो सोचो फिलहाल तो कौन सोचो देख सकते वोट बाट आओगे आगे कि सोचिए ले ले सरकार की काम कराई हो बिजली बिजली किया रहेगा मैं बिजली आवेगी कुछ जल्दी कपड़ों बारा गए थे गर्मी में नहीं बारा बारा आ गया तो और क्या बिजली जी फ्री दे दी पर गांव में रखे थे बिजली कौन दी लाइट आवे ही कोनी बिजली फ्री दी हूं कई वे लाइट ना आवे तो के काम किए अब बारे क्या आया तो जी उमस हो रही है जदा या यहीं आ गया उमस हो रही है जना आ गया तो ये उमस को असर आपा दुखी हो रहा आगे सरकार दुखी कर दियोगा ये वोट इन बिन सरकार की वो तो देखो के जनता की कहीं माहौल बने किन था है चिरंजीवी योजना ले कोई बिजली योजना ले 30 वर्ष तो मन देखते ना क्या जो 30 वर्ष में बीजेपी से वोट दी बनी है क्यों जो चाहिए आप आया कोई भी आ जाओ चाहे लाड साहब भी आ जाओ वोट भी नहीं देसी बीजेपी मारे बिजली ना हो मैं वोट कौन दिया वोट तो बन दी है तो इसको क्या बढ़िया कर दिया था बीजेपी की कौन करियो पण एक है लोगों की भावना दो पार्टी है बीजेपी में भी एक तो रिनवा जी खेमंगा है एक अभिनेश जी का है केरो कोई और जाग जाए का तो और जाग जाए भला ये अभिनेश जी रिनवा जी तो सही एक ही पार्टी पर डेढ़ा है एक पार्टी पर ही है राजस्थान की के लग रही है कौन सी सरकार आओगी के जाओगे राजस्थान में बालो गान कोई मतलब राजस्थान मतलब तो चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील को गांव हो भोजासर जठे चुनाव की यात्रा पा करी और जानने का प्रयास करियो कि वोटर है जगह खड़े जाओगे के प्रयास करा थाने किया के लगी कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइए और थारे गांव में जल्द जल्द पहुंच का कमेंट में और अपना ऑफिशियल नंबर है जिसका पर कॉन्टेक्ट है जी को थेकर्स को बाकी देखता रहो झलको चूरू जल्दी थारे गाँव में आने को प्रयास करा आज के कार्यक्रम पर फीडबैक जरूर बताइए जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।